Good morning, Gogay. Good morning, Dino. Good morning. बहुत ज्यादा थक गए थे भाई, रात को बहुत ज्यादा थक गए थे। मेरे को तो अभी भी नींद। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी को पंजाब के अमृतसर से। तो आज है हमारे ब्लॉगिंग का दूसरा दिन और आज मैं आपको पहले कराऊंगी हमारे रूम का टूर, होटल रूम का टूर, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम आगे क्या क्या करेंगे। तो चलिए रूम देखने। होटल की गैलरी है और ये 208 नंबर कमरा हमारा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हम अंदर आ गए, तो अंदर आते देखो एक साइड डेस्क दे रखा है जिसपे एक कैटल भी दिए इन्होंने, और ये बेड है, ये एक टीवी केबिन बोल देते हैं वो, और वो अलमीरा, और ये देखो ये हमारा लगेज रखा है। ये कपड़े हम अभी नहा के जाएंगे ना गुरुद्वारे, तब ये डालेंगे, गोल्डन टेंपल जाएंगे। ये अलमीरा, एक चेयर भी दी है, और ये है हमारा मेकअप एरिया, अगर हमें रेडी होना हो तो पूरा मिरर, इन्होंने बड़ा मिरर दिया है। और ये है हमारी प्यारी सी इनायत जो सुबह सुबह नहा ली है। कैसा था पानी, ठंडा था गर्म था? स्टार्टिंग में तो गर्म था, फिर ठंडा हो गया। यानी कि इस होटल में हमें गर्म पानी की फैसिलिटी भी दे रखी है। ओके, तो ये अपनी मैम का दिया हुआ, ये क्या बोलते हैं इसको, गिफ्ट, और मैं तो बोलूंगी ब्लेसिंग, हमेशा अपने साथ रखती है। तो इसको ये पैरों में पहनती है क्योंकि हाथ में आता नहीं, तो इसने रखा था निकाल के, और कह रही इधर मेरी मैम का दिया हुआ रखा है तो वो यहाँ रखा है। और ये वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, देखो बहुत बड़ा है तो अब हम फटाफट रेडी हो जाते हैं और मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद गोल्डन टेम्पल के अंदर। हाय बाय। तो दोस्तों हमारे साथ ना एक गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम रात को 12 बजे हमने होटल में चेक इन किया, तो हमने सोचा कि मॉर्निंग में हम जाएंगे गुरुद्वारे, लेकिन बता रहे हैं कि गुरुद्वारे जाने के लिए आपको रात को 3 बजे उठना पड़ेगा, और अगर अभी हम गुरुद्वारे जाते तो हमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। तो अभी हम गोल्डन टेम्पल तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम इतनी धूप है, बाहर गर्मी है, और ये लाइन में नहीं ले सकती। तो हमने सोचा कि हम अपना प्रोग्राम है जो उसको पलट देते हैं, हाँ, यानी कि आज जो हमें कल करना था वो हम आज करेंगे, और जो आज करना था वो कल करेंगे। यानी आज हम बाघा बॉर्डर जाएंगे और जलियांवाला बाग जाएंगे, और उसके बाद हम आज गोलियां होगी हमें लग भी सकते हैं और आपको भी लग सकती है। इसको थोड़ी कम नॉलेज है जलियांवाला बाग के बारे में। तो उसके बाद हम मॉर्निंग में 3 बजे उठ के फिर हम गोल्डन टेम्पल के लिए जाएंगे। मैं सोचती हूं बस मम्मी, मैंने थोड़ा, और अभी हम दोनों गोल्डन टेम्पल के लिए रेडी हो चुके थे और हमने अब चेंज किया है क्योंकि टेम्पल के लिए हमने कुछ और आउटफिट लिया था। और ये अब ये पिंक हो जाएगा गाइस, देखो मैजिक। तो मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ कि मैं आज क्या डालने वाली हूँ, एक मिनट। हाँ, तो ये मेरा है ड्रेस। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या ट्रेजिडी हुई। तो मैंने ये जिस बुटीक पे दिए थे ना उससे मैं सीधा उठा के इधर लेके आई, तो उसने जो उसका बॉटम है, इसका बॉटम, ये वाला बॉटम जो है, ये इतना लूज बना दिया है, इतना लूज यहाँ से, कि मुझे सेफ्टी पिन लगानी पड़ी, और मेरे पास कोई सेफ्टी पिन नहीं, तो वो मैं अभी बाहर देखती हूँ, मुझे मिल गई तो। और जो दूसरा सूट जो मुझे गोल्डन टेम्पल में डालना था उसका इतना टाइट बना दिया कि मुझे वो फंस ही नहीं रहा, बट उसके अंदर एक्स्ट्रा सिलाई है जो कि मैं उधेड़ लूँगी। वो देखो पीछे शूज पहन रही, रेडी हो रही है, और यार बहुत भूख लगी है, हम रात को भी बिना खाना खाए सो गए थे, 12 बजे आए थे। तो अब हम चलते हैं फटाफट, और सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे बस हमारे लिए। चलो आप प्रे तो क्या करोगे, क्योंकि जब तक आप ब्लॉग देखोगे हम सब कर चुके होंगे और हेलो, हाँ आज तो तीज है, तो हैप्पी तीज एवरीवन, मिलते हैं थोड़ी देर में। अरे हाँ, तो गाइस जब मेरी मम्मा करने गई है फेस वॉश, और मेरे पापा भी अभी यहाँ खड़े हैं अभी। चलो यहाँ पर मेरी मम्मा फेस वॉश आती होंगे, देखो मैं नहा ली थी पर फेस वॉश नहीं किया। तो अब मैं हो गई हूँ थोड़ा बहुत तो मैं जाती हूँ। और ये देखो गाइस, ये बीच रूट मेरा इससे मैं अपने मेकअप कर दो, ये मेकअप मैंने इससे करा है, मैं इसे रख कर देती हूँ अपने पर्स में। ओ माय गॉड, एक हाथ में फोन है और एक। तो दोस्तों देखो इनायत रेडी होगी, दिखाओ इनायत अपना लुक दिखा दो। तो ये है इनायत का पूरा लुक, पूरी फंकी लुक बनाया है इसने,
और ये देखिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज तीज है, इसके लिए मैं ये चूड़ा पहन के आई थी कि चलो तीज पे जा रहे हैं तो कुछ होना चाहिए इसलिए। और मैं सिंदूर लगाना तो भूल गई क्योंकि मैं लाई नहीं, बट मैं एक छोटी सी बिंदी है जो मैंने लगा ली थी। तो बताइएगा जरा मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे तो बताओ। हाँ, इसको भी बताना ये कैसी लग रही है। तो ये मेरा पूरा लेकिन देखो मैं ना जूती लेके आई थी, पर मैं अपनी सिंपल चप्पल पहनने वाली हूँ क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा। और इनू के पापा गए हैं मेरे लिए सेफ्टी पिन, हाँ तो इनू के पापा मेरे लिए सेफ्टी पिन लेने के लिए गए। आपको बताया था ना मेरा जो ये बॉटम बहुत लूज है। तो अब आप होटल को बहुत देख चुके हैं, अब आप मेरे साथ बाहर चलिए और मैं आपको दिखाती हूँ अमृतसर। स्टेयर से लिफ्ट से चलेंगे, किस स्टेयर से चलेंगे? दो मंजिल उतरना पड़ेगा। चलो फिर जी, क्या हो रहा है इतना गंदा गंदा लग रहा है सीढ़ियों पे, दो सीढ़ियां उतरनी पड़ेगी। तो फाइनली हम अपने रूम से निकल गए और अभी हमें लिफ्ट के अंदर, और देखते हैं कि अब हम कहाँ जाते हैं। पहले तो कुछ खाने जाएंगे। ये हमारा होटल है जिसमें हम रुके हैं। हम चलते हैं अमृतसर की गलियों में, हम निकल गए। आ जाओ तो ये यहाँ का शू हाउस है, यहाँ पे हमें अपने जूते चप्पल निकालने हैं और उधर लंगर घर है। चलो अंदर चलो। ओह माय गॉड, तो देखो ये लंगर घर हटना जरा। आप देखो मेरे सामने क्या है, गोल्डन टेम्पल। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। और ये लंगर घर, कितना बड़ा लंगर घर। लंगर कैसा लगा? बढ़िया, मस्त। पकड़ो पकड़ो, बैठो। अरे बैठो, मेरा चला पान तू, मेरे वीर को ये पान देंगे। बैठा बैठो, आप कैसे चलाओगे? तीन तीन कोई नहीं, पहले हमें शूट कर दो, मैं कैमरे से कैसे डिटेक्ट। इन्हें रिक्शा में पहली बार चल, हेलो कर दो, चलो बैठ जाओ। तो हम अपने होटल तक जा रहे हैं रिक्शा में। देखो अंकल जी, हाँ इस शॉप से तेरे को दिलाऊंगी, जैसे अभी होटल से खा के आएंगे ना, फिर जो जो तू बोलेगी सारी ना अच्छे से वो ले लियो, ठीक है? सारी चीजों की ले लेंगे। यहाँ से हम जा रहे हैं, ये अमृतसर की गलियाँ हैं। अमृतसर की गलियों में हम बैठे हैं साइकिल रिक्शा पे, और यहाँ से हमने किया टर्न और ये आ गया हमारा होटल। ये रहा होटल ए स्टार, ये रहा होटल ए स्टार। तो अभी हम यहाँ पे अंकल को रुकवा लेते हैं। बस अंकल जी यही रोक दो, चल। हो गया चल, आपको आप
अपनी वीडियो देखते हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? इंद्र सिंह। अच्छा, हम हरियाणा से आए हैं। अच्छा जी। हाँ, अच्छा लगा आपसे मिलके। बाय। इनू को जोर से वॉशरूम आ गए, इसलिए वापस होटल आए हैं। देखो कैसे दौड़ रही है इनू। कंट्रोल टू 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 इनू कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा? इनायत बता दो। कंट्रोल नहीं हो रहा, देखो कैसे कर रही है। देखो ये क्या, ये टू नहीं है। बरसरिया मुंडिया वे कचिया कलिया ना तोड़ अंबर सरिया। बाकी जगह भी ऐसे रहना चलो अब हम निकलते हैं। आप देखो इनू कैसे भागेगी, क्योंकि इसको आया शुशु चोर से। आगे आगे चलो, दौड़ के चलो। देखो देखो देखो, चलो चलते रहो चलते रहो। 208 208 इनू अंदर चलो। भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो भाई मैं आ गई फिर से अपने होटल रूम में। भाई साहब इतनी गर्मी, गर्मी तो खैर नहीं थी, लेकिन पता क्या था, हमारे साथ छोटा बच्चा और ये हमें बहुत परेशान कर रहा था। वॉशरूम लेके चलो, मैं लंगर में नहीं खाऊंगी, तो उस वजह से ना हमें, इसकी वजह से हम थोड़े परेशान हो गए। अगर हम दोनों जैसे, हम दोनों अगर साथ में होते तो हमें गर्मी, मैं ये नहीं बोल सकती इतनी गर्मी है कि हम घूम नहीं सकते, है ना? ये लेवल तो नहीं था मेरे लिए। तो अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स हो ले, इनको ब्रेकफास्ट करा देते हैं यहाँ पे, और टाइम हो गया अभी 10 बज गए, तो उसके बाद हम जाएंगे जलियांवाला बाग। कल ए स्टार में हमने इनायत के लिए पराठा ऑर्डर किया, तो ये आलू का पराठा है, साथ में हमें पिकल दिया है और दही दिया है, जो कि इसके साथ फ्री है। देखो फुल मसाला है भाई, पराठा बढ़िया। तो असी अभी फिर होटल विच आ गया, और अब हमारा व्लॉग जो पंजाबी विच होगा, क्योंकि हम अमृतसर है। अमृतसर आके पंजाबी विच बात नहीं की तो की करी, गल्ला नहीं करी। तो तुसी भी कुछ बोलो कुड़िए। तुसी एंजॉयिंग। तो हमारी टुट्टी फुट्टी पंजाबी विच, चलिए चलते हैं जलियांवाला बाग। तुसी और तुसी छेती छेती आ जाओ, असी जा रहे हैं, तुसी दोनों छेती छेती आ जाओ।